श्रीमान दुर्जन पांडे उर्फ बाबा पहलवान माथुर साहब पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में मैं आपको अभी इसी वक्त गिरफ्तार करता हूँ। Yes, come in. विनोदिनी जी, आप यहां बैठिए ना। हैरान हो ना हमको यहां देखकर? कुछ बात करने आए हैं, हमने एक फैसला लिया है। जी, चुनाव से हम पीछे हट रहे हैं। पीछे क्या हट रहे हैं, हमने तो सब कागज भी वापस ले लिया है, अब हम प्रत्याशी नहीं है। पर मैं कुछ समझी नहीं। कैसे समझोगी, हम खुद आज समझे हैं। पर वो हम तो कभी सरपंच बनना ही नहीं चाहते थे, वो तो हम उस पाखंडी बाबा के ढकोसले में आ गए थे और आज समझे हैं, इतना पैसा पानी में गंवाने के बाद। मैं समझ सकती हूँ, पैसे का कलेश नहीं है स्नेहा, हमको तो दुख इस बात का है कि इस सब जंजाल में हमने अपने बेटे को खो दिया। ऐसा मत कहिए, समीर आपकी बहुत इज्जत करता है, बस पन्ना को लेकर आप दोनों में मतभेद है। शुक्र है, कम से कम हमारा बेटा तो समझदार निकला ना। विनोदिनी जी, वरना पन्ना जैसी अनमोल लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनती। समीर को बहुत खुशी होगी ये जानकर। उसे आप मत बताइएगा, हम उससे खुद बात करेंगे। कहाँ है वो? वो गूगा गूगी के सिलसिले में मुंबई गया है, जल्दी लौट आएगा। मैं उसे कहूंगी कि आपको फोन करें। नहीं, आप उससे कहिएगा कि हम फोन करेंगे उसको, हमारा फोन ना काटे वो। आपका बेटा बहुत संस्कारी है, बल्कि वो तो खुद आपके फोन का इंतजार कर रहा होगा। एक बात कहें स्नेहा, अकल जब जगी ना तब पता लगा कि कई महीने से हम एक भ्रम में जी रहे थे, तब अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। आप ऐसा मत कहिए। आज कह लेने दो स्नेहा, हम सरपंच बन भी जाते तो क्या कर लेते, उसे क्या फर्क पड़ता, और हम किससे लड़ रहे थे, किससे मुकाबला कर रहे थे। तुमसे हमारी दुश्मनी तो है नहीं। मैंने आपको कभी अपना दुश्मन नहीं माना। तुम जो कर रही हो ना स्नेहा, उससे गांव पर फर्क पड़ा है। डॉक्टर स्नेहा सेहत ही नहीं खुशियां भी बांटती हैं गांव में, इसी को जीना कहते हैं ना। और हम भी ना ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। तुम हमें अपने साथ जोड़ोगी ना? कैसी बातें कर रही हैं आप, बस आदेश दे। कैसी अजीब बात है स्नेहा, हमको तो कहना चाहिए कि हम हार गए, पर आज हम बहुत कुछ जीत गए। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। हमको आज भी याद है जब हम आपके पास समीर को लेकर आए थे। ये सब बात ना बिल्कुल भी छुपत नहीं, आज नहीं तो कल सब ही जान जाएंगे। और हम इस सेकंड हैंड वस्तु को ना अपनी बहू तो ना ही बनाएंगे। हम पन्ना से माफी मांगना चाहते हैं, बहुत दिल दुखाया है हमने उसका।
एक बार समीर वापस लौटा है, फिर पन्ना को दुल्हन बनाकर हम सब आएंगे आपके घर बैंड बाजा लेकर। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसी विश्वास के सहारे मैं डॉक्टर स्नेहा माथुर आज यहाँ हूँ। आसान नहीं था ये सफ़र मेरे लिए, मुंबई के एक बड़े अस्पताल की प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ प्रतापपुर में बसने का फैसला, पर गर्व था मुझे खुद पर कि ये फैसला मेरा अपना था। अभी तक जो सफ़र मैंने तय किया उसमें धूप भी थी, छांव भी, शंकाएं भी और विश्वास भी, कभी उजाला कभी अंधकार भी। एक लड़की जख्मी हालत में लाई गई थी, उसकी हालत बहुत नाजुक है, क्या तुम आ सकती हो अभी? ऐसे लोग हैं जो एक लड़की को देखते ही दरिंदे बन जाते हैं। आप तो जानते हैं कि लौंडियों का नाना करके चिल्लाना रसम अदाई है। उस लौंडिया को रातों रात निपटाना होगा केस दर्ज होने से पहले। पन्ना को अगर कोई इंसाफ दे सकता है तो वो सिर्फ कानून, उन दरिंदों को सजा देकर। शादी होने वाली थी उसकी अगले महीने। एक निर्दोष महिला पर हमला होता है, दोषी वो मर्द है जिन्होंने उस पर ये हमला किया है, लेकिन उंगलियां उठती हैं उस महिला के चरित्र पर। तू को क्या लगा रे ए? कि तेरी अपवित्र लड़की को हम अपनी दुल्हन बना लेंगे? जो हुआ है उसके बाद हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये मढ़ोक जो है ना बहुत ही चालाक पुलिस ऑफिसर है। अरे मढ़ोक की क्या मजाल, जहाँ तक हमने उसको देखा है वो हार मानने वालों में से नहीं है। ना मेरी एक बात रुमाल पे काट, बात कर निर्दोष। स्नेहा दीदी, मेरी ट्रेनिंग खत्म होते ही मैं आशा बन जाऊंगी, फिर तो मैं हूँ ना आपके साथ में। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। बुआ जी, ये एक मस्त पिटारा है। मस्त पिटारा? इसमें वो जादू है जो औरतों और पुरुषों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये है पहला नमूना। कंडोम है। जब एक पति कॉन्डम का इस्तेमाल करता है तब वो अपनी पत्नी को एक संदेशा देता है कि मुझे तुम्हारी सेहत की फिक्र है। वैसे आपने काके का ढाबा, लक्की का ढाबा, चिंटू का ढाबा ये सब तो सुना ही होगा ना, लेकिन कंडोम बाबा का ढाबा शायद हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का पहला ऐसा ढाबा होगा। टोले टोले कॉन्डम बोले, मस्ती के हवाले होले, ना कोई डर ना कोई फिकर, झूम ले कॉन्डम बाबा बोले 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 बोले। पर डोले टोले कॉन्डम बोले, हुक्का छतरी रेनकोट टोपी कॉन्डम, तेरे कितने नाम, अमर अकबर एंथनी, बचाना तेरा काम। बोले कॉन्डम बाबा जरा देना ध्यान, छोटी समझदारी का बहुत बड़ा इनाम। अरे डोले डोले कॉन्डम बोले। कॉन्डम रैप। कॉन्डम बाबा आज हमें नसबंदी के बारे में बताएंगे। नसबंदी नहीं मुन्ना, मस्त बंदी। मस्त बंदी कहो। मस्तबंदी? मस्तबंदी एक आजादी है ताकि पुरुष अपने पारिवारिक जीवन को खुशी से जी सके। ऑपरेशन के बावजूद तुम्हें कुश्ती लड़ने में कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई? अरे कैसी कमजोरी,
और काहे की कमजोरी? हम मियां बीवी में पहले से कहीं ज्यादा प्यार बढ़ गया है। काहे की फिक्र बेटा, तू प्यार और बढ़ा। एक बात बताइए, अगर हम सरकारी गवाह बनने के लिए राजी हो जाते हैं तो बदले में हमको क्या मिलेगा? तो किया ये जा सकता है कि हम तुम्हारी सिफारिश करें सरकारी स्तर पर कि सरकारी गवाह बनने के सिले में तुम्हारे साथ बर्ताव में नरमी बरती जाए, ठीक है? अब बाकी सजा होना या ना होना, देना या ना देना, ये माननीय अदालत के हाथ पर है। हम सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं। श्रीमान दुर्जन पांडे उर्फ बाबा पहलवान, माथुर साहब पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में मैं आपको अभी इसी वक्त गिरफ्तार करता हूँ। हम साथ मिलकर एक नया खास प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और उस प्रोग्राम का नाम है सत्य की अदालत। दोस्तों, ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और हाँ, रात को गांव में बड़े पर्दे पर देख भी सकते हैं। बोले डिंपल जी। जी जरूर। एक अंतरासुई महिला को 3 महीनों के लिए अनचाहे गर्भ से बचा सकती है और ये उन महिलाओं के लिए भी बहुत सुरक्षित है जो स्तनपान करवाती हैं और इसके साथ साथ इसे इस्तेमाल करने से शारीरिक संबंधों में भी कोई बाधा नहीं आती। समझे वकील साहब? समाज का एक दोगलापन जिसे मिटाना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है कि अगर एक बिन ब्याह पुरुष ये कहे कि वो कौमार्य है तो भी उसकी बात समाज मान लेता है, मगर एक कुंवारी लड़की को अपने कुंवारेपन का सबूत देना पड़ता है। एक मर्द की केवल जबान ही काफी है उसके चरित्र को साबित करने के लिए, लेकिन जब एक महिला की बात आती है, एक महिला यही बात करती है तो उसे हजारों तरह के सवाल दागे जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं। ये तो इंसानियत और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से नाइंसाफी है, जेंडर इनजस्टिस। अगर गर्भ की शुरुआत में अगर मर्द का एक्स क्रोमोसोम औरत के शरीर में प्रवेश कर गया तो यह औरत के एक्स क्रोमोसोम से मिलके जोड़ी बनाता है एक्सएक्स की, यानी कि मादा, यानी कि अब लड़की पैदा होगी। और अगर मर्द ने औरत को वाई क्रोमोसोम दिया है तो फिर यह जोड़ी एक्स वाई हो जाएगी, यानी कि नर, यानी कि अब लड़का पैदा होगा। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये होता है कि लड़का या लड़की के पैदा होना पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर करता है, ना कि महिला पर, राइट? 100%। लड़का होगा या लड़की, इसमें औरत का कोई रोल नहीं है। हाथ उठाना कौन सी मतदान की है? अपनी नाकामी का गुस्सा अपने ही घर वालों पर उतार कर लोग अपने ही घर को नरक में बदल देते हैं। योर ऑनर, असली मुजरिम राजेश जी है जो इतने सालों से अपनी पत्नी के साथ हिंसा करते हैं, उसे बड़ी ही बेरहमी से मारते पीटते आए कंट्रोल करने के नाम पर। अरे मेरा सर तो शर्म से झुका जा रहा है। वो घर का काम करे, घर चलाए, पति से पिटे, बच्चों को बड़ा करे। जब ऐसे घरेलू हिंसा को देखकर बच्चे बड़े होते तो वो उसे ही समाज में लेकर आते। मैं भूल गया कि मेरी पत्नी है, उसकी सुरक्षा तो छोड़ो, उस पर जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया। मैं अपनी बीवी से माफी मांगना चाहता हूं। किशोर का शोर वो खुला मंच है जहां वो खुलकर अपनी बातें रख सकते हैं और उन्हें सही जवाब और ज्ञान मिलेगा। अक्सर 10 साल की उम्र से लड़कों के शरीर की लंबाई, वजन, ये सब बदलने लगता है, बढ़ने लगता है और करीबन 11.5 से 14.5 साल की उम्र में उनके हॉर्मोन्स में बदलाव, उनके गुप्तांगों में बदलाव, चेहरे और शरीर पर बालों में बदलाव के चिन्ह नजर आने लगते हैं। लेकिन ये सब बदलाव हर किसी में अलग अलग तरह से होते हैं, इसीलिए किसी को चिढ़ाना या घबराना ये सब सही नहीं है। जब पंडित जी और मौलाना साहब मुझसे मिलने आए तो वो एक प्रस्ताव लेकर आए कि हम धर्मस्थलों पर इंसानियत लंगर और इंसानियत क्लिनिक चलाएं। इंसानियत ही धर्म की सबसे बड़ी पहचान है।
हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए, हर बीमार को राहत मिले और सब पर ईश्वर की कृपा हो। मैं क्या कहूँ आप लोगों से। स्नेहा जी, आप जो कुछ भी कह रही हैं या जो कुछ भी कर रही हैं, असल मायनों में यही सबसे बड़ी इबादत है। लोग हमें जितनी दुआएं देंगे उतना ही हमें ऊपर वाला और देगा, ऐसा हमारा मानना है। इंसानियत लंगर और इंसानियत क्लिनिक, जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर और मस्जिद दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए, और यहाँ के पंडित जी और मौलाना साहब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि वो डॉक्टर स्नेहा और मानवता अस्पताल के साथ जुड़कर भूखों के लिए लंगर और मरीजों के लिए क्लिनिक चलाएंगे। तो आइए मिलते हैं इन दोनों से। पंडित जी नमस्कार, मौलाना साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आप लोगों को ये आइडिया कहाँ से आया। स्नेहा जी से हमने सुना था कि मरीज को अस्पताल तक नहीं, अस्पताल को मरीज तक जाना चाहिए। जाहिर है कि हमारे गांव के लोग या तो मंदिर जाते हैं या मस्जिद आते हैं, और जो लोग नहीं भी आते हैं वो इसके नज़दीक ही रहते हैं। क्या ये अच्छा होगा कि जो भूखे हैं या जो मरीज हैं हम उनके लिए सहूलियत दें। जी, लेकिन इसमें खर्चा भी तो खूब हुआ होगा, है ना। हमारे पास दान पेटी है जिसमें चंदा और खैरात भी आते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि हमारा खर्च उससे पूरा हो जाएगा। और अभी अभी तो शुरुआत हुई है, लोगों ने दान देना शुरू भी कर दिया है, और 3 महीने तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इंसान से इंसान को जोड़ेंगे तो लोग हाथ बटाने आएंगे। और हमने गांव के लोगों से दरख्वास्त की है कि वो अपने खुशी के मौके पर या अपने त्योहारों पर अपने खर्च का एक हिस्सा इंसानियत क्लिनिक और इंसानियत लंगर को दें। और हम देख रहे हैं कि इस बात को लेकर लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है। जी पंडित जी, मौलाना साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित जी और मौलाना साहब, और अब हम चलते हैं इंसानियत लंगर की ओर। और अब हम आ चुके हैं इंसानियत लंगर में, तो चलिए यहाँ के लोगों से भी मिलते हैं, उनसे भी बातें करते हैं। माँ जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है यहाँ का खाना आपको? बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे। बहुत बढ़िया। आप बताइए, आपको कैसा लगा यहाँ का खाना? देखिए, जब हम अपने घर में कोई खुशी होती है और उस वक्त जब सब मिल बैठ कर साथ में खाना खाते हैं जी, तो कैसे खुशी होती है, कैसा लगता है, बिल्कुल वैसे ही लगता है। तो यहाँ आके आप खुश हैं वाकई में? बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, ये था इंसानियत लंगर, और सभी लोग यहाँ आकर वाकई में ही बहुत खुश हैं। तो चलिए अब चलते हैं इंसानियत क्लिनिक की ओर। तो अब हम आ पहुंचे हैं इंसानियत क्लिनिक में, यहाँ पर भी काफी सारे लोग मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ इंसानियत क्लिनिक के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ छोटी मोटी बीमारियों के लिए सब कुछ है जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं इस इंसानियत क्लिनिक के बारे में? अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो उसे सुकून स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ देते हैं, और वो भी एकदम फ्री में जी। आप कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दान नहीं करते, हम भी दान करते हैं जिससे लोगों को फ्री दवा मिले और उनका इलाज हो जी। बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, इंसानियत क्लिनिक में आकर लोगों को कितना फायदा हो रहा है, और सभी लोग यहाँ आकर वाकई में ही बहुत खुश हैं। तो जैसा कि पंडित जी और मौलाना साहब ने कहा, हमारे द्वार से कोई भी भूखा ना जाए, हर बीमार का इलाज हो और सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। और इसी बात पर मुझे गांधी जी के पसंदीदा भजन की कुछ पंक्तियाँ भी याद आती हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। भगवान।
मेरा सपना है कि हमारे गांव में 100% लोग शिक्षित हों, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, रोजगार बढ़े, कोई भूखा न सोए, किसी की आंखों में आंसू न हो, सब एक साथ मिलकर रहे, खुशियां मनाएं। मुझे आपसे कुछ कहना है, मेरा एक सवाल है जिसके जवाब में हमारे देश का भविष्य सिमटा है, और वो सवाल है किसी देश की सेहत का अंदाजा कैसे लगाया जाए, उसे किस तरह नापा जाए। जैसे कसौटी पत्थर खारे सोने की पहचान देता है, देश की सेहत की अग्नि परीक्षा क्या है? और जवाब है देश की महिलाएं और देश के बच्चे। जिस देश की महिलाएं और बच्चे स्वस्थ हैं, वही देश तंदुरुस्त हो सकता है, और ये कोई नामुमकिन लक्ष्य नहीं, मेरा एक सपना है कि हमारे देश में 1,00,000 जीवित बच्चों के जन्म पर जो 130 महिलाएं जन्म देते हुए मौत का शिकार बन जाती हैं, उन्हें बचाया जाए। मेरा एक सपना है कि 1,000 में से 33 शिशु जो 1 साल से भी कम उम्र में अपने प्राण खो देते हैं, उन्हें बचाया जाए। मेरा सपना है कि हम वो व्यवस्था लाएं जिसमें हमारे 38% बच्चे कुपोषण का शिकार ना, इन्हीं बच्चों के हाथ में देश का कल है। क्या हम उन्हें इतनी कमजोर बुनियाद देना चाहेंगे? जब आप और मैं रात को सोते हैं तो इस यकीन से सोते हैं कि सुबह को हम जागेंगे, मगर एक गरीब परिवार के बच्चों को ये मामूली तसल्ली भी नसीब नहीं, इसे बदलना होगा। मेरा सपना है कि देश का हर नागरिक स्वास्थ्य का सही महत्व पहचाने। सरकार, अधिकारी, ये सब अपनी जगह है और वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप, मैं, हम सब जागरूक हो जाएं तो हमारे देश में खुशहाली की क्रांति आ सकती है। मेरा एक सपना है कि देश की हर महिला स्वस्थ हो, उसे अपने शरीर के बारे में सही जानकारी मिले, क्योंकि घर की औरत बीमार तो मानो सारा परिवार बीमार। मेरा सपना है कि हमारे देश में 100% लोग शिक्षित हों, सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, रोजगार बढ़े, कोई भूखा ना सोए, किसी की आंखों में आंसू ना हो, सब एक साथ मिलकर रहे, खुश रहे। मेरा सपना है कि हम भीड़ के साथ ना चले, बल्कि हम वो बने जो औरों को रास्ता दिखाए। आप सब मेरे सफर में मेरे साथी बने, मेरे गम में रोए, मेरी खुशियों में मुस्कुराए, मुझे अपने जीवन का, अपने परिवार का हिस्सा बनाया, इतना प्यार, इतना अपनापन दिया। शब्द नहीं है मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जैसे बाबूजी कहा करते थे, अभी कहाँ आराम बड़ा, ये मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है, मिलो मुझको चलना है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.